दोस्तों, इलेक्शन ऑफ कमीशन की तरफ से रिसेंटली ही एक पोर्टल को लॉन्च किया है, जिसके तहत अब आप बहुत सी सारी सर्विसेज को बहुत ही आसानी से यूज कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों, अगर आप एक इंडिविजुअल कस्टमर हैं या किसी प्रकार की ऑनलाइन शॉप चलाते हैं, तो यह पोर्टल आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है, क्योंकि इस पोर्टल का यूज करके आप बहुत ही आसान तरीके से एक नया वोटर कार्ड बना सकते हैं, वोटर कार्ड में करेक्शन कर सकते हैं, वोटर कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर सकते हैं और वोटर कार्ड को आप कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये सब सारी सर्विसेज को आपको कैसे यूज करना है, कौन सा पोर्टल है, तो इस वीडियो में मैं सब कुछ कवर करने वाला हूँ और आपको यूज करके भी दिखाने वाला हूँ कैसे कैसे आपको इस पोर्टल को यूज करना है। हे गाइस, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल न्यू ज्ञान विद शुभम को। तो चलिए दोस्तों, वीडियो करते हैं शुरू। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मैं जो प्रोसेस आपको बताने जा रहा हूं, यह आप अपने फ़ोन से भी कर सकते हैं। अगर आपके पास लैपटॉप है तो आप लैपटॉप के थ्रू भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पे आ जाना है। इस वेबसाइट का लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ पर जाके इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। इस वेबसाइट पे आने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे लॉग इन कर लेना है। लॉग इन करने के लिए आपको यहाँ पे एक लॉग इन का बटन दिया गया है, तो सिंपली आपको इसी पे क्लिक कर देना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको अपना एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईपिक नंबर डालना है एंड ये अपना पासवर्ड जो बनाया है वो डालना है। अगर आपके पास रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड पासवर्ड नहीं है तो आप इसे कैसे बना पाएंगे, ये मैं आपको वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मेरे पास अभी यूजर आईडी एंड पासवर्ड है, तो हम इन दोनों को डाल के लॉगिन कर लेते हैं। यूजर आईडी एंड पासवर्ड डालने के बाद आपके सामने यहाँ पे कैप्चा डालने का ऑप्शन आ जाता है, तो यही कैप्चा आपको यहाँ पे फिल कर देना है। कैप्चा फिल करने के बाद आपको यहाँ पे वेरीफाई वाले पे क्लिक कर देना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा कैप्चा वेरीफाई नहीं हो पाया, इसलिए हम यहाँ पे फिर से कैप्चा अपना डाल देते हैं। उसके बाद हम यहाँ फिर से वेरीफाई वाले पे क्लिक कर देंगे। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा कैप्चा वेरीफाइड हो गया है। उसके बाद हम यहाँ पे लॉग इन वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमें अब इस वेबसाइट पे फिर से रीडायरेक्ट कर दिया गया और हम इस पे लॉग इन हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए अब हमारा नाम आ रहा है, पहले यहाँ पे लॉग इन और साइनअप का बटन आ रहा था। अब इसके बाद हमको क्या करना है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे दो ऑप्शंस दिखाए गए हैं, जिसमें से पहला एक है फॉर्म्स, दूसरा है यहाँ पे ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस। तो हमें यहाँ पे पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 5 सर्विसेज को अभी लाइव किया गया है। जैसे कि इसमें आप अगर पहली सर्विस को यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आप पहली सर्विस को यूज करके क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे देख लीजिए फॉर्म 6 पे आप रजिस्टर्ड एज अ न्यू वोटर इलेक्ट्रोल, तो यहाँ से आप एक नया वोटर कार्ड बना सकते हैं इसका यूज करके। आप यहाँ पे थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे फॉर्म 6A, इस पे आप रजिस्टर्ड एज एन ओवरसीज इलेक्ट्रोल वोटर, तो इसका भी यूज करके आप एक नया वोटर कार्ड बना सकते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे फॉर्म 6B आधार कलेक्शन फॉर एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रोल वोटर, तो इसका आप यूज करके अपने वोटर कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर सकते हैं। और थोड़ा आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे देख लीजिए फॉर्म 7 में डिलेशन और ऑब्जेक्शन फॉर नेम फ्रॉम इलेक्ट्रोल रोल, तो दोस्तों इसका आप यूज करके वोटर कार्ड को डिलीट कर सकते हैं या नाम को ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। एंड आप थोड़ा नीचे आएंगे तो और भी यहाँ पे देखेंगे जो पांचवा हमारा ऑप्शन है फॉर्म 8, इसमें आप क्या कर सकते हैं फॉर्म फॉर शिफ्टिंग करेक्शन रिप्लेसमेंट ऑफ ईपिक मेकिंग PWD, तो इसका यूज करके आप वो अपने वोटर कार्ड का करेक्शन कर सकते हैं, रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, एक नया वोटर कार्ड मंगवा सकते हैं। जैसे कि हम बात कर लेते हैं कि एग्जांपल के रूप में अगर हमें एक नया वोटर कार्ड बनाना है तो हम यहाँ पे पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो अब आपके सामने वेबसाइट का इंटरफेस कुछ इस तरीके का आ जाएगा, आपको एक पहले से एकदम नया ही दिखेगा। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा फॉर्म ओपन होके आ जाता है, जो जो भरना यहाँ पे सारी डिटेल भर के आप एक नया वोटर कार्ड बना सकते हैं। लेकिन मैं बता दूं कि आप पहले पुरानी वेबसाइट को देख के होंगे तो उसमें एक पेज पे भरना होता था, उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करना होता था, एक फॉर्म फिर भरना होता था, फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना होता था। लेकिन इस वेबसाइट पे ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको एक ही पेज पे मेंशन सब कुछ कर दिया गया। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं सेलेक्ट स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट, पर्सनल डिटेल, रिलेटिव डिटेल, कॉन्टैक्ट डिटेल, आधार डिटेल, जेंडर, ये सब सारी सर्विसेस आपको एक ही पेज पे यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। जैसे हम बात कर लेते हैं कि ये सर्विस अभी किस किस स्टेट में लाइव है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे देखिए एक स्टेट का ऑप्शन मिलता है, तो सिंपली आपको इसी पे क्लिक कर देना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपके सामने
स्टेट खुल के आ जाते हैं, जिस जिस स्टेट में अभी ये सर्विस लाइव की गई है तो उन स्टेट नाम यहाँ पे आ जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए असम, बिहार, गोवा, उत्तराखंड, अभी ये चार ही राज्यों में इस सर्विस को लाइव किया गया है, लेकिन अभी धीरे धीरे सभी राज्यों को इसमें ऐड कर दिया जाएगा। जब सभी राज्यों को इसमें ऐड कर दिया जाएगा तो हमारे चैनल पे एक और वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी। तो आइए हम आपको बता देते हैं कि कैसे आपको रजिस्टर आईडी एंड पासवर्ड बनाना है। आपको गूगल पे आ जाना है। गूगल पे आने के बाद आपको NVSP सर्च कर लेना है। तो जैसे आप NVSP सर्च करेंगे, यहाँ पे देखिए नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल का एक ऑप्शन मिल जाता है, तो सिंपली आपको इसी पे क्लिक कर देना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको वेबसाइट के ऊपर ही एक पॉपअप दिखाया गया है, फॉर फॉर्म सबमिशन फॉर असम, बिहार, गोवा एंड उत्तराखंड प्लीज क्लिक। तो इस पे क्लिक करके आप उस वेबसाइट पे जा सकते हैं, जिस वेबसाइट पे अभी मैंने सब कुछ करके आपको दिखाया है। तो मैं पहले आपको बता देता हूँ कि वो आपको यूजर आईडी एंड पासवर्ड कैसे बनाना है। तो सिंपली आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके आना है। यहाँ पे देखिए एक नीचे में दिए गए हैं लॉग इन एंड रजिस्टर्ड, तो सिंपली आपको इसी पे क्लिक कर देना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपको इंटरफेस कुछ इस तरीके का देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए एक यूजर नेम एंड पासवर्ड डालने का ऑप्शन आ रहा है। तो अभी आपके पास ना यूज़र नेम है ना पासवर्ड ही है, तो आप क्या करेंगे, तो थोड़ा आप नीचे स्क्रॉल करके आएंगे। यहाँ पे देखिए डोंट हैव अकाउंट रजिस्टर्ड एज अ न्यू यूजर, तो सिंपली आपको इसी पे क्लिक कर देना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको अपना एक मोबाइल नंबर डालना है एंड ये वाला कैप्चा इसमें आपको फिल कर देना है। फिल करने के बाद आपको सेंड OTP पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप सेंड OTP पे क्लिक करेंगे आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, वही OTP को डाल के आपको सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट करेंगे तो आपको एक पासवर्ड बनाने का ऑप्शन आपको आ जाएगा। पहले आपको अपना पासवर्ड दे देना है, फिर कंफर्म पासवर्ड दे देना है, उसके बाद सबमिट कर देना है। तो आपका एक यूजर आईडी यानी कि आपका एक मोबाइल नंबर और वो जो आपने पासवर्ड बनाया है वो दोनों रजिस्टर्ड हो जाएंगे। वही दोनों पासवर्ड लेके आप उस वेबसाइट पे लॉगिन हो सकते हैं। इसी तरीके से आप एक यूजर आईडी एंड पासवर्ड भी बना सकते हैं और एक नया वोटर कार्ड ऑर्डर भी कर सकते हैं, अप्लाई भी कर सकते हैं एंड उसको करेक्शन भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कर दें एंड अपने दोस्तों के साथ ये जानकारी शेयर कर दें एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले नए नेक्स्ट वीडियो में।